अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। हम आए हैं कराची दूर दरिया कलौंची, जो रेस्टोरेंट है यहाँ पे हमने खाना खाना है। इसकी हमने सुनी थी, जी तारीफ सुनी थी कि यहाँ पे आपको जाना चाहिए, तो हमने कहा दूर दरिया में हम इसी पे चले जाते हैं। हमारे छोटे को जाने बीच पे, बस और कहीं नहीं जा रहा। ये देखिए जी, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। ये सामने से आप देखिए बीच नजर आएगा। बहुत ही प्यारी माशाल्लाह जगह है, थोड़ी ना स्मेल भी है। मतलब और कंट्रीज़ में हम बीच पे जाते हैं ना, एक स्पेसिफिक होती है बीच की स्मेल होती है, लेकिन यहाँ थोड़ी और ही तरह के यानी स्मेल ही है। देखिए ये इनकी सिटिंग प्लेसेस जो हैं बहुत अच्छी हैं। हमें थोड़ा रश था, काफ़ी लोग थे, तो हमने कहा कॉर्नर वाली साइड पर बैठे हैं, उस साइड पर जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो छोटा बेबी है कि अपनी ही कोई प्लेस चूज करके बैठा होता है कि उधर बैठना है, तो उन्होंने भी ओपन नहीं की थी, लेकिन हमने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने कहा ठीक है चले बच्चे फर्स्ट। देख लिया आपने, इसमें बैठ जाओ, उसमें इन दोनों में से किसी में बैठ जाओ। हाँ जी ये ठीक है, थैंक यू। राउंड नहीं, मैंने ये कहा था, वो तो वहाँ वो देखे ना काफ़ी सारे लोग थे, फिर वीडियो में कोई आ जाता है तब प्रॉब्लम है, और बच्चे नॉइस करते हैं तो भी अच्छी बात नहीं होती है। हम नहीं चाहते कोई डिस्टर्ब हो हमारी वजह से, हमने कहा थोड़ा क्वाइट प्लेस पे बैठ जाते हैं, आराम से हम अपनी वीडियो भी बनाएंगे और किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होगा, और हमारे जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं ये भी अपना आराम से खेल सकेंगे, क्योंकि ये वहाँ के आदि हैं लंदन के, तो ये अपनी मर्ज़ी से किसी चीज़ को छेड़ो, आओ जाओ वहाँ, क्योंकि आपको कोई मना नहीं करता। और यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान में पता है डिफरेंट सिस्टम है ना, कोई ग्लास भी छेड़ देगा किसी के पास चला जाएगा तो लोग अजीब से हो जाते हैं, तो फिर इसके मैंने कहा क्वाइट ठीक है, बच्चे भी खुश हों और हम भी खुश हों। ये यहाँ कुछ कर रहे हैं सफाई, मॉप पकड़ा हुआ है इन्होंने, अब मॉप का यहाँ क्या काम है पता नहीं। फिश रॉड होती तो समझ आती फिश पकड़ रहे हैं। ये देखिए जी, ये है दूर दरिया और ये है यहाँ का रेस्टोरेंट। अगर आप लोग यहाँ पे आए तो यहाँ आना चाहिए या नहीं? जगह तो बहुत अच्छी आना चाहिए, खाना मैं आपको टेस्ट करके लास्ट में बताऊंगी। यार भी कढ़ाई खा लो भी। करें करें आप चूज करें मेन्यू। ये देखिए जी ये मेन्यू है। हाँ हाँ जी क्या? ये देखिए जी, हमने अभी सबसे पहले चाय ऑर्डर किया क्योंकि हम थके हुए थे, हम अपना आधा घंटे बाद जो है फूड ऑर्डर करेंगे। चाय हमें वो पसंद है, हम सारे दिन में पी सकते हैं 5-6 कप। हमें बैठे हुए यहाँ पे तकरीबन हो गए हैं 30 मिनट, अब थोड़ी थोड़ी शाम होने लग गई है। वो ना मानो को वो चिप चिप सा मौसम है ना, वो नहीं पसंद आ रहा। हाँ जी हम यही कह रहे हैं कि वैसे बड़ा ही बदनाम है बेचारा हमारा पाकिस्तान। ठीक है जी अच्छा वो इतना बेचारा हमारा बदनाम है ना पाकिस्तान की, ये अभी थोड़े हिल रहे थे बच्चे, कह रहे थे कोई पता नहीं कि पाकिस्तान है कि गिर ही जाए, ये हालात है, इतना इमेज ख़राब हुआ हुआ है पाकिस्तान का। कई और कंट्रीज़ में आप जाते हो ऐसी प्लेस होती है तो
आप तसल्ली में रहते हो कि नहीं जी ये बड़ी सही बनी होगी, इसे कुछ भी नहीं होगा, सेफ्टी पॉइंट से उन्होंने चेक किया है। और पाकिस्तान में कहा जाता है कोई पता नहीं कि अभी ये ड्रम हो जाए, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह खैर करे। कहने का ये मकसद है कि इतना इमेज ख़राब किया हुआ है पाकिस्तानियों ने, हम सब ने, इंक्लूडिंग मी, मैं भी तो यही बता रही हूँ आप लोगों को कि वाकई सही कोई ख़तरा है। Pepsi. No, it's water. Yeah, no drink. It's no Pepsi. Yeah, there is, but this one is a lucky one. You are lucky. Water. No, यार ये मलाई बोटी मुझसे भी ले लो, बहुत ज़्यादा है ये तो। ये roll type है या दूसरी है? बाकी बोट। Make the soft taste. Huh? Here what Pepsi? Sorry, sorry, sir. Bye. ये है मलाई बच्ची, ये है इनके स्पाइसी फ्राइज जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। ये है इनकी मलाई बच्ची, खोलो भाई, खोल के दिखाओ। Then we have this one in the fridge, you remember? ये देखिए इनका एक पोर्शन है, ठीक है? और ये कढ़ाई है, कढ़ाई को भी उठा दो। ये देखिए, ये 1 kg की है, 1 kg की है। ब्लैक पेपर में बना और रेड में। हाँ हाँ, कहा ब्लैक पेपर था, सही बात है, और रेड है। चलो चले चले जी, हम जा रहे हैं ऊपर, बच्चों को ऊपर जाने का अब शौक हो गया। ये देखो वहाँ जा रहे हैं हम, अब हो गई है रात और रात के टाइम काफ़ी अच्छा लग रहा है, लाइटिंग बहुत प्यारी लग रही है। वो बैठी है जी नीचे हमारी फैमिली, हम आ चुके हैं अब ऊपर। फूड इनका बहुत मज़े का था, ये देखेंगे अभी, पहले भी हमें विंग्स अच्छे नहीं लगे थे क्योंकि वो डिप थे, सॉस में डिप्ट हुए हुए थे, और ऑर्डर करते वक्त जो है वो ऊपर लिखा नहीं हुआ था, जस्ट विंग्स थे, बच्चों ने जब ऑर्डर किए थे वो सॉसी थे, तो उन्होंने पूछा आपको फूड कैसा लगा, हमने कहा विंग्स जो हैं वो, उसके अलावा बाकी सब ठीक था, तो उन्होंने हमें चेंज कर दिया, ठीक है कि आप चेंज कर दें। अब मेरा ख्याल है रिव्यू लेने आए हैं, तो रिव्यू अच्छा है, नो डाउट, बहुत मज़े का खाना, बहुत मज़े का था, साफ़ सुथरा था, आप आके एंजॉय कर सकते हैं। कढ़ाई बहुत मज़े की थी, मलाई रोटी बहुत ही मज़े की थी, बस विंग्स थोड़ा सा अगर साथ लिखा होता कि डिप्ड विंग्स हैं या सॉसी विंग्स हैं तो हमें पता होता, हम वो ऑर्डर ना करते कुछ और कर लेते। खैर उन्होंने उससे भी कंपनसेट करके हमें चेंज कर दी थी, ड्राई विंग्स दे दी थी क्योंकि बच्चे नहीं खाते सॉस वाले। नहीं मछलियाँ हैं, खा लेंगी। हम जा रहे हैं जी अब वापस। अच्छा मैं आपको रिव्यू दूँ, रिव्यू माशाल्लाह काफ़ी अच्छा इनका सिस्टम था, और मैं बिल का अगर बताऊँ तो बिल भी बहुत ज़्यादा नहीं था। हम 6 people थे, 3 adults, ठीक है, और 3 kids, और हमने सबकी मर्ज़ी की फूड मंगवाई थी, और हमारा जो है वो बिल जस्ट 15,000 बना है, ठीक है, यानी प्रॉपर हर किसी ने जो जो खाना था वही हमने ऑर्डर किया। ये देखें जी, ये था रेस्टोरेंट का नेम, यहाँ पे छिपकली भी है, ये देखें छिपकली भी है, लेकिन रेस्टोरेंट अच्छा था, मज़ा आया है, छिपकलियाँ तो खैर पाकिस्तान में है ही ना।
चलें जी आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे फिनिश। अपना बस का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।